टीचर ध्यान नहीं देते हैं। हम जब गुरुजी से कुछ पूछते हैं तो गुरुजी उत्तर नहीं देते। ऐसा किसी ने पूछा अभी मुझे। मैं एक साथ इस प्रश्न का उत्तर सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, ताकि हो सकता है आपके मन की शंका भी हो कि हमारे गुरुजी जो हैं मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते। मैं कभी सवाल पूछता हूँ या पूछती हूँ तो वो टाल जाते हैं या अनसुना कर देते हैं या कह देते हैं बाद में बात करेंगे, तुम अभी रहने दो, ये तुम्हारे समझ में नहीं है, ये बहुत आगे की बात है, पहले तुम ये करो। इस तरह के जवाब अक्सर गुरुजी के द्वारा दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं कि ये ऐसा हमें क्यों कहा गया, क्योंकि वो नादान हैं। उनके तो मन में जो सवाल आया जो उन्होंने पूछ लिया। तो मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट को पहले खुद समझना चाहिए ये बात कि मैं क्या पूछूं। आप जो कर रहे हो, जो काम आपको गुरुजी ने दिया है, उस काम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है और आप अगर गुरुजी से पूछते हैं तो उनको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बताने में। ज़रूर बताएंगे आपको वो आंसर, क्योंकि वो काम उन्होंने दिया है आपको करने के लिए, तो उसको वो जरूर देखेंगे। आपके सवाल उसी से रिलेटेड हों। अगर आपका सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, कहीं से सुन के आ गए, है ना, कहीं दूसरी जगह आपने कुछ सवाल सुना, उन्होंने कहा कि ये सवाल का तो जवाब कोई नहीं दे पाया था, आपके भी मन में आया कि मैं मेरे गुरुजी से पूछता हूँ या पूछती हूँ, तो वो आउट ऑफ सिलेबस होगा। गुरुजी जो आपको जो चीज़ आपको सिखा रहे हैं उसमें डिस्टरबेंस होता है उनको। एज ए टीचर, एज ए गुरु, मैं इस बात को ठीक से समझ पा रहा हूँ, और अभी व्हाट्सएप से तो बहुत ज़्यादा समझ गया मैं। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं लोगों के मेरे पास, कई बार मैं इस संबंध में जिक्र कर चुका हूँ, तो मैं इग्नोर भी करता हूँ कई बार, किसी सवाल का मैं जवाब देना उचित भी नहीं समझता, फिर चुप रह जाता हूँ। फिर भी नहीं मानते लोग, फिर भी पूछते हैं क्या हुआ आपने जवाब नहीं दिया, तब मैं उनको अच्छा वाला जवाब दे देता हूँ कि जो सवाल तुम्हें नहीं करना चाहिए वो क्यों करते हैं आप। ज़्यादा सवालों के चक्कर में ना पड़े, काम करिए, प्रैक्टिस करिए, रियाज करिए, जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसी में मगन रहिए। आगे आगे भागने की कोशिश में सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है कि किस स्टेप के बाद आपके साथ क्या स्टेप लेना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। आप उकता करके उनसे जल्दी जल्दी सवाल भी पूछ लेते होंगे, या फिर कई बार झुंझलाहट तब भी होती है जब एक स्टूडेंट को कई बार बताना पड़ रहा है एक ही बात को सेम तरीके से, तो जवाब नहीं मिलते होंगे ऐसे में गुरुजी के, फिर वो चुपचाप ही रहते होंगे, क्या बार बार बताना, ये भाव आ जाते हैं, मैं तो बता बता के थक गया। स्टूडेंट्स के सवाल नादान होते ही हैं, इसीलिए वो स्टूडेंट हैं। लेकिन स्टूडेंट को मैं ये सब को शिष्यों को बताना चाहूँगा कि आप अपना धैर्य रखें और जो सीख रहे हैं उसमें मन लगा, आगे के सवाल न करें, ऐसा सवाल करें जो काम का हो, इंटरेस्ट का हो। आपके सबके गुरुजी ठीक से आपको जवाब देने लग जाएंगे। सिर्फ वही सवाल करो जो करंट में चल रहा है, एट प्रेजेंट जो आपके कोर्स में चल रहा है उससे रिलेटेड खूब सवाल करो। मेरे पास कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि लोग वीडियो तो देखते नहीं,
और सवाल किए जा रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि वीडियो देख लो, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं अलग अलग से थोड़ी सबको बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी चार चार बार एक ही बात पूछते हैं। मैं कहता हूँ कि इस बात का जवाब मेरे उस वीडियो में है, उसको देख लो, सुन लो, समझ लो अच्छे से। हो सकता है फ़ोन पे क्यों पैसे खराब कर रहे हो, फ़ोन पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है ना बात करके, तो वीडियो में खर्चा कम होगा। चलिए, खैर इस सवाल का मैंने अभी जवाब दिया कि गुरुजी अगर आपके आंसर्स नहीं देते हैं। कुछ एक बात ये भी थी कि छोटे बच्चे जो है ज़्यादा जल्दी सीखते हैं और बड़े कम जल्दी सीखते हैं, इसलिए भी गुरुजी जो है बड़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो जल्दी सीखते हैं उन पे ध्यान देते हैं। तो ये तो जाहिर है कि जो जल्दी सीखते हैं उन पे तो ध्यान ज़्यादा दिया ही जाता है, हर टीचर देगा, हर सारे गुरु देते हैं। जो धीरे धीरे सीखते हैं वो आपका इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई कब आप ये कंप्लीट करके दो तो मैं आगे आपसे बात करूं। हर गुरु का ये है कि आपको जो स्टेप दिया गया है उस स्टेप को अगर आप अच्छे से आपने कर लिया है तो आपको अपने आप ही गुरुजी जो हैं लाइक करने लग जाएंगे और आपके हर सवाल का जवाब देंगे, इवन आपसे मित्रतावत व्यवहार हो जाएगा गुरु का जब आप लेवल की बात करने लग जाएंगे। जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश तो करनी चाहिए, और जल्दी सीखना होता है इंटरेस्ट से। आप इंटरेस्ट बनाइए अपना, उसमें आनंद लीजिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आना चाहिए, तो जल्दी हो जाता है। जब आपको मज़ा आने लगता है किसी काम का, उसमें जब आप डूबने लग जाते हो तो वो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। बेमन से करोगे नहीं होगा, ठीक है। तो अपना अपना ख्याल रखें सभी, और इस तरह से गुरु और शिष्य के बीच की जो मधुरता है वो बनी रहे और बनाए रखें, मेरा सबसे यही कहना है। जय हो।